Yes, i looking your students.

सेकेंड आप देख रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट रेशो क्या होती है कि वेरिएबल कॉस्ट को तो सेल से आप डिवाइड कर देते हैं परसेंटेज में शो कर देते हैं सी एम रेशो क्या होती है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ठीक है प्लस तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फार्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है और uh, इसमें आप देखेंट से ठीक है इसमें भी कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं ब्रेक रुपीज डिस्कस है, कैसे नेक्स्ट आप देखें यूनिट्स टारगेट प्रॉफिट के लिए अगर यूनिट्स आपने फाइंड आउट करने हैं तो फिक्स कास्ट को डिवाइड करेंगे आप सी एम रेशो से ठीक है तो रुपीज के लिए आप सी एम रेशो यूज करते हैं और यूनिट्स के लिए आप सी एम पर यूनिट चूज करते हैं ठीक है तो नेक्स्ट आप देखें अगर आपने टारगेट प्रॉफिट निकालना है ठीक है टारगेट प्रॉफिट इन रुपीज है तो यहाँ पे सीएम रेशियो यूज हो रही है ठीक है ये इक्वेशन मेथड है हमने डिस्कस किया था अभी आवाज क्लियर होनी चाहिए सबको सेल्स में मल्टीप्लाई करें सेल्स को मल्टीप्लाई से से कर दें सीएम रेशियो से वी गेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें वी गेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने डिस्कस किया था सेल्स डेट आर ओवर एंड अब ब्रेक इवन सेल्स अच्छा ब्रेक इवन सेल्स से जितनी ज्यादा सेल्स हो रही हैं जो जो अजाफी सेल्स हैं वी कॉल दो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ठीक है जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन सॉरी ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उसको अगर आप सेल्स से डिवाइड कर दें जो कैट मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो एक्चुअल सेल्स सम ऑफ बीपी सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये सारे फार्मूलाए हमने डिस्कस लिए थे कल एंड पे हमने जो डिस्कशन की थी वो ऑपरेटिंग लिपरेज के हवाले से थी ठीक है जी ये हमें बताती है कि जी कितना ज्यादा जो है परपोर्शन है फिक्स कॉस्ट का इन टोटल कॉस्ट ठीक है जी? और फर्दर हमने डिस्कस किया था कि इंक्रीज इन सेल्स इंक्रीज और डिक्रीज इन सेल्स को अगर हम ऑपरेटिंग लिपरेज से मल्टीप्लाई कर दें वी गेट इंक्रीज और डिक्रीज इन ई ठीक है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड तो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है वो रिलेटेड थी सिंगल प्रोडक्ट इन्वायरमेंट ठीक है जी सिंगल प्रोडक्ट इन्वायरमेंट होता है कि जी कंपनी जो है वो एक ही प्रोडक्ट बना के सेल करती ठीक है तो आज हम फोकस करेंगे जो डिस्कशन होगी वो मल्टीपल प्रोडक्ट इन्वायरमेंट है कि अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो आ, आ, अगर कंपनी बना के सेल है तो मल्टीपल प्रोडक्ट इन्वायरमेंट में जो है वो कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं ठीक है तो जिन स्टूडेंट्स का आज फर्स्ट लेक्चर है जाहिर है ये आज जो डिस्कशन होगी वो थोड़ी सी एडवांस्ड है ऑलरेडी हमने ये ऑलमोस्ट देख रहे हैं आप सिक्सटीन फार्मूलाज हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है तो इस टॉपिक में जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज क्लास ज्वाइन किया है वो तब बेहतर समझ सकेंगे जब वो प्रीवियस टू लेक्चर जो है वो उनकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो प्रॉपर सुनेंगे और रीडिंग्स करेंगे तो अदरवाइज जो है वो आज का लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए टफ होगा ठीक है तो मल्टीपल मल्टीपल पर, मल्टीप्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस या मल्टीपल सी बी पी एना मल्टीपल प्रोडक्ट सी बी पी एना आप कह सकते हैं ऐसी कंपनीज जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही हैं अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें ऐसा था कि कंपनी सिंगल प्रोडक्ट बना रही थी तो सिंगल प्रोडक्ट इन्वायरमेंट में हमने काफी सारे क्वेश्चन बेसिक प्रैक्टिस किए कि जी कैसे ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा इन यूनिट्स कैसे इन रुपीज निकालेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कैलकुलेशन कैसे होगी टारगेट प्रॉफिट जो है उसके लिए कितने यूनिट्स हमें सेल करने पड़ेंगे या कितने रुपीज की सेल्स करनी पड़ेंगी ऑपरेटिंग लीवरेज जो है उसको हमने देखा और उसका इस्तेमाल भी देखा तो आज हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स जब हों कंपनी की मल्टी प्रोडक्ट इन्वायरमेंट में जो ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस एनालिसिस है वो किस तरह से आपने मैनेज करना है तो इसके लिए हम आ, साथ साथ थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चन के साथ जो है वो मैं डिस्कशन करता हूँ तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं जी ये क्वेश्चन नंबर एटीन है फ्रॉम जेरिजन एंड नोरिन जो बुक आपके साथ मैंने शेयर की हुई है थर्टीन ठीक तो ये क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं फिर से हम सॉल्व करते हैं ये मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस से रिलेटेड है तो इससे हमें हेल्प होगी कि हम मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस जो है उसको समझ सके तो मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस कह रहे हैं जी ओ स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटर इन द फिलिपाइन ऑफ टू प्रीमियम गॉल्फ बॉल्स ठीक है तो दो तरह की बॉल्स हैं कह रहे हैं फ्लाइट डायनामिक एंड द शोर शॉट तो मंथली सेल्स एक्सप्रेसिंग पिसे कर फिलिपाइंस की एंड द कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ द टू प्रोडक्ट आर एसोज तो हम ये रुपीज में डील करेंगे सेल्स जो है फ्लाइट डायनामिक प्रोडक्ट जो है उसकी सेल्स जो है, वो है। ठीक है। और शोर शार्ट जो प्रोडक्ट है उसकी जो सेल्स हैं वो टू फिफ्टी थाउजेंड है ठीक है तो इसमें आप देखेंगे कितने परसेंट सेल जो है वो किस प्रोडक्ट की हैं तो सी एम रेशो इज एटी परसेंट एटी परसेंट सी एम रेशो है फ्लाइट डायनामिक बॉल जो है और शोर शॉट का जो सी एम रेशो है वो थर्टी सिक्स परसेंट है ठीक है जो? और टोटल आपको सेल्स बता रहे हैं और सी एम रेशो टोटल है वो कह रहे हैं जी कैलकुलेट करें मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस बहुत सिंपल होता है जिस तरह से आपने सिंगल प्रोडक्ट देखा है ब्रेक इवन एनालिसिस सेम बिल्कुल फार्मूला है बस आपने ये देखना है कि जो सी एम पर यूनिट है उसको रिप्लेस कर देगा वेटेड एवरेज सी एम पर यूनिट तो जहां जहां कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ रहा है सिंगल प्रोडक्ट में वहां वहां मल्टीपल प्रोडक्ट में वेटेड एवरेज सीएम पर यूनिट आ जाएगा ठीक है तो सिंगल प्रोडक्ट में आप सीएम पर यूनिट यूज करते हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट में आप सीएम पर यूनिट की बजाय वेटेड एवरेज सी एम पर यूनिट इस्तेमाल करेंगे ठीक है तो वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे या अभी ये भी हम सीख लेंगे इसी तरह से जहां जहां सी एम रेशो यूज हो रही है फार्मूलों में जो हमने सिक्सटीन फार्मूला ऊपर देखे हैं जहां जहां सी एम रेशो आ रही है वहां वहां सी एम रेशो की बजाय हम क्योंकि तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी एक एवरेज सी एम रेशो निकालेंगे तो वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज में फर्क होता है वेटेड एवरेज में हम जो प्रपोर्शन है उनका ख्याल रखते हैं सिंपल एवरेज की एक्जम्शन होती है कि जी इक्वल वेटेज है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्वल वेटेज नहीं है फाइलाइट डायनामिक की सेल्स कम है और शोर शार्ट की सेल्स ज्यादा है इसका मतलब है हम सिंपल एवरेज नहीं निकाल सकते सिंपल एवरेज क्या होती है कि सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज तो वो यहाँ पे यूज नहीं होंगी होंगे जब होते हैं तो फिर वेटेड एवरेज यूज करते हैं तो वेटेड एवरेज सी एम जो है वो आप यूज करेंगे सी एम की बजाय तो सिंगल प्रोडक्ट हो तो फिर सिंगल प्रोडक्ट का सीएम तो जाहिर है वो एक ही प्रोडक्ट है तो वही सीएम पर यूनिट यूज होता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो तो सारे सारी प्रोडक्ट्स के सी पर यूनिट का बेटीरा भी निकाल लेंगे इसी तरह से मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो तो सारी प्रोडक्ट्स की जो सी एम है वो पहले कैलकुलेट करके फिर हम उनकी बेटरी एवरेज शिव नोट कर लेते हैं तो सिर्फ ये फर्क है मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन ब्रेकिसिस में और सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालसिसिस में कि सिंगल प्रोडक्ट के केस में जो है वो सिंगल uh, uh, प्रोडक्ट के सीएम रेशो और सी एम पर यूनिट यूज होगा और मल्टीपल प्रोडक्ट के केस में हम वेटिड एवरेजेस यूज करते हैं राइट तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन मार्क वो यही पूछ रहे हैं कि जी आप वेटेड एवरेज सी एम रेशो तो वेटेड एवरेज हम देख लेते हैं फिक्स एक्सपेंसिस बता रहे हैं ये वन एटी थ्री थाउजेंड सेवन फिफ्टी तो पहले तो ये आप सी एम रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं हम ठीक है तो इसमें आप देख लें कि सेल्स हमें गिवन है क्वेश्चन में सेल्स सी एम रेशो ऑलरेडी गिवन है ठीक है तो CM आप देख लें और सेल्स का एक कॉलम बना सेल्स प्रोडक्ट है जी हमारे पास फाइलाइट डायनेमिक तो वो मैं एफ लिख रहा हूँ और सेकेंड जो है छोट छोट हम एस प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पे सेल्स आप देखें तो वन फिफ्टी थाउजेंड है और टू फिफ्टी थाउजेंड ये हम ज्यूम करेंगे कि ये रुपी वैल्यू है तो रुपीज में तो ये टोटल सेल्स आ गई जी फोर हंड्रेड थाउजेंड अब यहां पे वेटेज आ जाएगा तो वेटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे ये परसेंटेज में आ जाए। तो बहुत सिंपल है। 150 तो होदन को आप डिवाइड करेंगे टोटल से 400 होदन से। ठीक है। तो 150 गुड़िब बाय 4, 400। तो ये हमारे पास जो परसेंटेज बनती है, ये 37.5 परसेंट है। तो इसका वेट जो है वो थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट तो रिमेनिंग हमारे पास सिक्सटी टू पॉइंट फाइव ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं टू फिफ्टी को डिवाइड करेंगे फोर हंड्रेड से एंड यू विल गेट सिक्सटी टू पॉइंट फाइव तो सिक्सटी टू पॉइंट फाइव परसेंट जो है वो वेट वेटेज है एस का मतलब जितनी भी सेल्स कंपनी करती है उसमें से थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट सेल्स जो है वो एफ की होती हैं और सिक्सटी टू पॉइंट फाइव परसेंट सेल्स एस की होती हैं ठीक है तो ये टोटल वेटेज जो है वो हंड्रेड आएगा या अगर आप पॉइंट थ्री सेवन फाइव लिखते हैं या पॉइंट सिक्स टू फाइव लिखते हैं तो, तो टोटल जो है बेटेजन हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे सी एम हमें गिवन है सीएम रेशो परसेंटेज सी एम रेशो एफ की सी एम रेशो हमारे पास है एटी परसेंट और एस की सी एम रेशो थर्टी सिक्स परसेंट है ठीक है अब हमने किस चीज की बेटी डेबेज निकालनी सीएम रेशो की तो जिस चीज जो वेरिएबल है जो जिसकी वेटिड एवरेज हम निकाल रहे हैं वो एक्स यहाँ पे आएगा ठीक है जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें आपको समझ आ जाएगी कि एवरेज हम क्यों निकाल रहे हैं राइट और ये वेटेज जो है ये डब्ल्यू है तो आपने स्टेटिस्टिक्स में फार्मूला सीखा है वेटी एवरेज को हम इस तरह से लिखते हैं ना वेटेड मीन इस तरह से यहाँ पे डब्ल्यू आ जाता है वेटेड मीन तो वेटेड मीन कैसे निकालते हैं स्मेशन डब्ल्यू एक्स और स्मेशन डब्ल्यू ठीक है तो ये फार्मूला स्टेटिस्टिक्स का है। यहाँ पे स्मिशन डब्ल्यू आप देख रहे हैं वो हंड्रेड परसेंट है ये ना हंड्रेड परसेंट क्या होता है वन होता है ठीक है तो वन से डिवाइड करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे हमारा टोटल वेट वन है यह देख रहे हैं आप वेट्स का जो टोटल है वो हंड्रेड है हंड्रेड परसेंट क्या होता है हंड्रेड ओवर हंड्रेड वन ठीक है तो वेट्स क्योंकि वन है तो वन से डिवाइड करने की हमें जरूरत नहीं हमने डब्ल्यू और एक्स को मल्टीप्लाई करके एड कर देना है राइट से डिवाइड कर दें या ना करें कोई मसला नहीं तो यहां पे स्मेशन डब्ल्यू एक्स का मतलब एवरेज सी एम हमने गा रहे आपको तो सेवनटी मतलब तो को हम एटी को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके वेट से थर्टी सेवन पॉइंट फाइव से तो ये बनता है जिस थर्टी ठीक है यहां पे थर्टी परसेंट आ रहा है और सिक्सटी टू पॉइंट फाइव परसेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 36% से तो ये हमारे पास बनता है ट्वेंटी जो, तो तो जो यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज आ रही वेटिड एवरेज सी एम रेशो क्या आ रही फिफ्टी टू पॉइंट फाइव परसेंट ये इस इन दोनों के मिडल में ही होगी है एग्जैक्ट मिडल नहीं होगा क्योंकि वेट्स डेरी करें तो एटी परसेंट थर्टी सिक्स परसेंट के दरमियान में ठीक है तो ये सिंपल इस चीज का आंसर है ये जो क्वेश्चन मार्क लगा यहाँ पे हमारे पास आंसर है जी फिफ्टी टू पॉइंट फाइव परसेंट वेटिड एवरेज सीएम रेशो ठीक है सीएम रेशो सीएम क्या होता है सेल्स में से हम वेरिएबल माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है सीएम रेशो क्या होती है कंट्रीब्यूशन मार्जिन को सेल्स से डिवाइड करते हैं तो सीएम रेशो हमें इंडिविजुअल दी हुई थी हमने सिंपल उनकी वेटेड एवरेज कैलकुलेशन की फिर आपसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो फॉर्मल रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में एंड पे गिवन है वो आप सब कह रहे हैं जी कि आप सी एम रेशो कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट जो है वो बनाए ठीक है इनकम स्टेटमेंट बनाए फॉर द कंपनी एज अ होल ठीक है जी सारी कंपनी के लिए तो ये आप बना लें इसमें देख लें कंपनी का नाम आप लिख लेंगे ठीक है वो मैं नहीं लिख रहा हूं बेसिकली वो आप लिख लेंगे इनकम स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछी गई है जी? तो इनकम स्टेटमेंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट बनानी है मार्जिन कॉस्टिंग में जो बनती है ठीक है तो इनकम स्टेटमेंट आप बना रहे हैं डेटा आपको दिया हुआ है सेल्स ठीक है तो पहले हम सेल्स फाइंड आउट कर लेते हैं तो सेल्स दोनों प्रोडक्ट्स की एक इनर वर्किंग कर लेंगे ठीक है तो सेल्स हमारे पास जो है वो बल्कि गिवन है आपको एफ की सेल्स जो है वो वन फिफ्टी थाउजेंड है और एस की सेल्स जो है वो टू फिफ्टी थाउजेंड तो ये हमारे पास फोर हंड्रेड थाउजेंड की सेल्स हैं जो आप कॉलम में यहाँ पे लिख लें ये रुपीज फोर हंड्रेड हो गए तो इसी तरह से फिर आप वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट मांग रहे हैं तो आप सारी चीजें इसमें अलग अलग मेंशन करें तो वेरिएबल एक्सपेंसेस मैंने बताया आपको कि वेरिएबल एक्सपेंसेस रेशो और सी एम रेशो जो है उनका टोटल हंड्रेड होता है तो आप देख रहे हैं एफ की जो सीएम रेशो है वो थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट है ठीक है तो एफ की सेल्स कितनी है

एफ की सी एम रेचो है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एटी परसेंट इसका मतलब है इसमें सेल्स में 80 अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन है तो ट्वेंटी परसेंट की वेरिएबल कॉस्ट है तो हंड्रेड में से एटी माइनस हो गया वेरिएबल कॉस्ट सेल्स की वेरिएबल कॉस्ट सेल्स की सेल्स का ट्वेंटी परसेंट है तो वन फिफ्टी थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट सिंपल आ जाएगा थर्टी थाउजेंड इसकी वेरिएबल कॉस्ट है राइट और एस के लिए आप देखें तो सेल्स हमारे पास है जो एस की जो सी एम रेशो है, तो है उसमें से सी एम रेशियो माइनस कर दी तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आ गई ठीक है तो हंड्रेड में से आपने थर्टी सिक्स माइनस कर दिया तो ये बनता है लाइक सिक्सटी फोर परसेंट तो टू फिफ्टी थाउजेंड का हम सिक्सटी फोर परसेंट कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो ये वैल्यू बन जाती है ये वन सिक्सटी थाउजेंड तो यहां पे जो वेरिएबल एक्सपेंसिज हैं वो उज तो टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारे पास यहां पे बनते वेरियबल एक्सपेंसिहान नाइन्टी थाउजेंड ये आप माइनस कर देंगे तो so, सेल्स में से वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस कर दिए हमने एंड वी गेट टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो आपसे वो पूरी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट मांग रहे हैं तो पूरी कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने कैलकुलेट कर लिया टोटल तो so, ये हमारे पास बन जाएगा जी टू टेन थाउजेंड इसमें से फिक्स एक्सपेंसेस माइनस करेंगे फिक्स एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन है फिक्स एक्सपेंसेस वन एटी थ्री ठीक है तो वन एटी थ्री आप यहाँ पे फिक्स एक्सपेंसेस वेरियल एक्सपेंसिस ऑलरेडी माइनस हो चुके हमें और ये फिक्स एक्सपेंसेस हमने माइनस कर दिए तो ये प्रॉफिट और लॉस आ गया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बेसिकली क्योंकि पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो प्रॉफिट है नेगेटिव आंसर आया है तो फिर लॉस है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप सिंपल देख लें तो टू टेन थाउजेंड से माइनस कर देंगे आप वन एटी थ्री थाउजेंड सेवन फिफ्टी तो ये बनता है ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड टू फिफ्टी रुपीज ठीक है ये सबको क्लियर होना चाहिए कि हमने सिंपल यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट्स की सेल्स जो है वो एड uh, कर ली टोटल सेल्स आ गई ठीक है ये टोटल सेल्स वैल्यू है इसी तरह से फिर हमने दोनों प्रोडक्ट्स की वेरिएबल कॉस्ट प्लेट की उनकी वेरिएबल कॉस्ट का टोटल है तो टोटल सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस का लिए सी एम तो आ गया सी में से फिक्सिस माइनस किए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया हमने डिटेल से डिस्कशन की थी इसकी इनकम स्टेटमेंट ये मार्जिन कॉस्टिंग में इनकम स्टेटमेंट ऐसे बनती है तो ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए पिछले लेक्चर्स में इसको डिटेल्स हमने डिस्कस किया है अब वो कह रहे हैं जी कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट ठीक है ब्रेक इवन पॉइंट निकालें ऑफ द कंपनी based on the current sales mix तो break even अब यहाँ पे आपको समझ आएगी कि जी वेटेड एवरेज हमने क्यों क्यों लिया है ठीक है तो इसके लिए आप देख लें अब हमारे पास यहाँ पे हम आपको बताया नहीं गया कि बीपी कौन सा निकालना है तो बीपी हम सिर्फ रुपईस में ही निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में यूनिट्स में नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें सीएम पर यूनिट नहीं गिवन है बीपी यूनिट्स में निकालने के लिए यू नीड सीएम पर यूनिट इस क्वेश्चन में हमें सी एम पर यूनिट ना तो गिवन है और ना ही हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसलिए जो है वो बीपी रुपीज हम निकालेंगे फिक्स कॉस्ट बाई सी एम रेशो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई कौन सी सीएम रेशो प्रोडक्ट एफ वाली या एस वाली तो आंसर इज ना एफ वाली ना एस वाली वेटेड एवरेज सी एम रेशो यूज होगी ठीक है अलग अलग नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमें फिक्स कास्ट अलग अलग अवेलेबल नहीं है फिक्स कास्ट तो टोटल है ना ये 183, 000, 750. तो इसके नीचे सी एम भी टोटल आएगी वो टोटल सी एम रेशो ठीक है रेशो, तो रेशो पास बनी थी, ठीक है तो ये हमारे पास हम वन एटी थ्री थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है आंसर uh, हमारे पास है जी नाइन सिक्स फोर एट नाइन है लें तो उस सूरत में ये जो प्रॉफिट है ये जी जीरो होगा यहाँ पे ठीक है तो इसका बीपी का मकसद ये ठीक है तो अब अब अगर आप देखें कि जी कितनी अब ये तो टोटल सेल्स है ना इसमें से कितनी प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट एफ की सेल्स होंगी और कितनी प्रोडक्ट सेल्स होंगी तो आपने वेटेज यूज करने तो एफ का वेटेज था ठीक है और जो वेटेज है हमारे पास एस का डेट इज सिक्सटी टू पॉइंट फाइव परसेंट सिक्सटी टू पॉइंट फाइव परसेंट यहां पे आ गया आप जो है ये ये तो ये आप कैलकुलेट कर लें कि एफ की कितनी सेल्स करनी पड़ेगी ब्रेक इवन के लिए तो जो आंसर आपके पास आया आप मल्टीप्लाई कर देंगे से से तो 36, 175 आ जाता है जी हमारे पास तो थर्टी सिक्स रुपीज की जो सेल्स हैं वो यहां पे F की हमें करनी पड़ेगी तो थर्टी सिक्सन वन और इसी तरह से जो रिमेनिंग सेल्स हैं रिमेनिंग कर लें या 62.5 टू पॉइंट कर लें तो दोनों सूरत में आपका सेम आंसर आएगा ठीक है तो ये बनता है टू नाइनटी थ्री टू नाइनटी फोर राउंड ऑफ करके तो ये है जी हमारे पास ब्रेकि वन पॉइंट अभी हमने डिटेल से भी कैल्कुलेट कर लिया कि जी प्रोडक्ट एफ की सेल्स कितनी होंगी और प्रोडक्ट एस की सेल्स कितनी होंगी और टोटल सेल्स कितनी होंगी तो ये, अब ये सारों को क्लियर हो जाना चाहिए कि जी मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस करते हुए सी एम रेशो कौन सी यूज होगी बेटी सी एम रेशो यूज होगी और इसे कैलकुलेट कैसे करना है वो भी हमने देख लिया तो थर्ड रिक्वायरमेंट है जी आपसे कह रहे हैं इफ सेल्स इंक्रीज बाय हंड्रेड थाउजेंड मंथ बाय हो मच वुड यू एक्सपेक्ट नेट इनकम टू इंक्रीज वट आर योर एजन तो हमने सीखा हुआ है कि जी ब्रेक इवन के बाद जितना हमारा सीएम बढ़ेगा उतना ही हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा तो ब्रेक इवन तो ऑलरेडी अचीव किया हुआ है आपने आपकी तो चार लाख की सेल्स हैं ब्रेक इवन हो रहा है जी नाइन्टी सिक्स थाउजेंड फोर सिक्सटी नाइन पे ठीक है एक सेकंड सॉरी ये नाइन्टी सिक्स थाउजेंड फोर सिक्सटी नाइन नहीं आना चाहिए इसको अगर आप डिवाइड करें तो हमने शायद इसको मल्टीप्लाई कर दिया वन एटी थ्री थाउजेंड सेवन फिफ्टी ये इसको प्रॉपर जी कैलकुलेशन करेंगे इसकी तो तो को डिवाइड आप करें से ये ये बनता है जी तो है न, ये है हमारे पास ब्रेक जो एक्यूरेट वैल्यू वैल्यू ना इसकी पे का इस तो इसको कर कैलकुलेशन में थर्ड आपसे कह रहे हैं कि अगर हमारी सेल्स बाय हंड्रेड थाउजेंड तो प्रॉफिट कितना बढ़ेगा आप देख रहे हैं हमारी ऑलरेडी सेल्स कितनी है फोर लैख ,00, और ब्रेक इवन कितने पे हो रहा है थ्री फिफ्टी थाउजेंड में तो हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि ब्रेक इवन के बाद जितना आपका सीएम बढ़ेगा उतना ही आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा तो आप देख रहे हैं जी अगर सेल्स हंड्रेड थाउजेंड से बढ़ती हैं ठीक है जी सो इंक्रीज इन सेल्स को अगर आप देखें सीएम रेशो कितनी है फिफ्टी टू पॉइंट फाइव परसेंट तो कितना सी एम बढ़ेगा फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो इंक्रीज इन सेल्स इंक्रीज इन सेल्स को आप सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू सीएम रेशो कौन सी सीएम रेशो वेट ही सीएम रेशो इक्वल्स टू इंक्रीज इन इंक्रीज इन सीएम और प्रॉफिट एक ही बात है जितना प्रॉफिट सीएम बढ़ता है उतना ही प्रॉफिट भी बढ़ता है क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम है तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर एक लाख से आपका रेवेन्यू बढ़े तो सेल्स में कितनी इंक्रीज ये रेवेन्यू में अगर एक लाख का इंक्रीज है तो प्रॉफिट में कितना इंक्रीज आ प्रॉफिट में आपका आंसर है? है अब वो साथ में पूछ रहे हैं कि जी आपकी क्या क्या है ठीक है जी वट आर यूर एजाम की बेस पे आपने ये बात की है ठीक है जी वट आर यूर ये है कि जी जो प्रोडक्ट मिक्स है जो वेटेज है वो यही रहेंगे थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट एंड सिक्सटी टू पॉइंट फाइव परसेंट जहरा जब ये वेटेज बदलेगा तो वेवन्यू सी सीएम रेशो भी बदलेगी ना उस सूरत में हम हंड्रेड थाउजेंड को फिफ्टी टू पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो यहाँ पे हमारी हैं कि जी सेलिंग है दोनों प्रोडक्ट्स की सेम रहेंगी वेटेज सेम रहेगा कॉस्ट पर यूनिट्स जो है वो सेम रहेंगी ठीक है जी फिक्स कॉस्ट वुड रिमेन द सेम उस सूरत में एक लाख रुपए की सेल्स बढ़ने से फिफ्टी टू पॉइंट फाइव परसेंट रेवन्यू ये सी एम बढ़ेगा और जितना सी एम बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट भी बढ़ेगा तो यहां तक अगर कोई क्वेश्चन अभी क्वेश्चन हम क्लोज कर रहे हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो सिक्सटीन सिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं जी यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए आप चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं माइक्स अपने अल्टरनेटिवली आप जो चैट है वहां पे टाइप करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वॉल्यू कह रहे हैं अगर सेल्स वॉल्यूम बढ़े तो फिर भी हम ऐसे ही देखेंगे कि जिस वॉल्यूम अगर एक लाख यूनिट ज्यादा सेल हो रहे हैं तो उसमें से सैंतीस हजार पांच सौ थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट यूनिट सेल होंगे एस के और सिक्सटी टू पॉइंट फाइव परसेंट यूनिट सेल होंगे एस के ठीक है तो वॉल्यूम वाले क्वेश्चन भी हम देखेंगे और कोई डिफरेंस नहीं है इसी तरीके से वो भी सॉल्व होंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ये आ, कोलिन से एक बेसिक सा एम है ठीक है इसको जरा रीड करके ट्राई करें जरा किस तरह से आप इसको सॉल्व करें ठीक है चलिए तो ट्राई के लिए मैं आपको क्वेश्चन दूंगा फिर फिलहाल देखें इसको कह रहे हैं जी जेड पी एल सी करंटली सेल्स प्रोडक्ट ए बी एंड सी ठीक है जी तीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो ये सेल कर रहे हैं ए बी एंड सी इन इक्वल क्वांटिटीज इक्वल क्वांटिटीज का मतलब है तीनों वन थर्ड सेल है तीनों की इक्वल परसेंटेज सेल हो रही है ठीक है एंड सेम सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेलिंग प्राइस भी कह रहे हैं यहाँ पे सेम है ठीक है कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर ए अब रेशो ए की कितनी है फोर्टी परसेंट है ए की सी एम रेशो बी की सी एम रेशो फोर्टी एट परसेंट है ठीक है बी uh, की जो सी एम रेशो है वो फिफ्टी परसेंट है सॉरी और टोटल सी एम रेशो जो वेटिड एवरेज सी एम रेशो है सी की सी एम रेशो नहीं बताई फिक्स कास्ट आर अन फिक्स कास्ट अगर ना बदले बायज होने से अब करंटली मिक्स क्या है, one ratio, one, ratio one, equal proportion है ना ए बी और सी तीनों के इक्वल यूनिट सेल हो रहे हैं जिसको मतलब कह रहे अगर ये मिक्स चेंज करें मिक्सचर चेंज करें इनकी रेशो अगर चेंज कर दें प्रपोर्शन आपस में जो है तो उससे हम एज्यूम करें कि फिक्स कास्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा एंड आर ट्वेंटी परसेंट ऑफ सेल्स

ट्वेंटी फाइव परसेंट सेल्स होती हैं बी की और थर्टी फाइव परसेंट सेल्स हैं सी की अब ये नया ये न्यू प्रोडक्ट मिक्स है अब वो कह रहे हैं जब प्रोडक्ट मिक्स चेंज होगा तो हमने देखा है ठीक है तो करंटली सी एम रेशो कितनी है वो बता रहे हैं करंटली बेटी डैबि रेशो है फोर्टी एट परसेंट अब वो कह रहे हैं मिक्स चेंज होने से सी एम रेशो कितनी हो जाएगी उसमें क्या चेंजिज आएंगी तो ये जरा ध्यान से सीखना है ये इंपॉर्टेंट है तो अभी हमने देखा है कि जी पहले पहले से पहले वेटेज चेंज चेंज होने होने से से मिक्सचर तीनों प्रोडक्ट्स इक्वल प्रोपोर्शन में सेल हो रही हैं ठीक है इसकी क्या रेशो है ये भी वन थर्ड है ये भी वन थर्ड है ये भी वन थर्ड है तो कैसे रेशो निकालते हैं इनको सम कर लेते हैं ना वन प्लस वन प्लस वन थ्री है वन ओवर थ्री है ये भी बी भी वन ओवर थ्री है और सी भी वन थर्ड है ठीक है तो वन अब ये वन थर्ड ऑफ वन थर्ड ऑफ क्या ए की सी एम रेशो कितनी है अब ये वेटेज वेटेज है ना ए के वेटेज को ए की सी एम रेशो से मल्टीप्लाई करें ए की सी एम रेशो आपको बता रहे हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ प्रोडक्ट ए इज फोर्टी परसेंट तो वन थर्ड ऑफ फोर्टी परसेंट प्लस ऐड करें ना समीशन डब्ल्यू ये ये एक्स एक्स है हमारे पास सी एम और ये इसका वेट है तो डब्ल्यू एक्स हो गया ये ठीक है तो वेटेज बी का भी वेटेज यही था बिफोर चेंज और बी की सीएम रेशो है जी फिफ्टी परसेंट और सी की सीएम रेशो जो है वो हमें नहीं दी हुई लेकिन वेटेज उसका वन ही था तो ये हमारे पास एग्जिस्टिंग जो वेटेज है वो उनको सामने रखते हुए वे, वेट्स को और सीएम एम रेशो को सामने रखते हुए वे, टोटल वेटिव एवरेज वो बता रहे थे कि जी फोर्टी एट परसेंट है यहाँ पे ठीक है इसका मतलब है यहां से हम मिसिंग एक सी प्रोडक्ट सी की कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकालेंगे ठीक है आप प्रोडक्ट सी की कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए आप जाहिर करेंगे तो ये जो x बाय थ्री है ना ये x बाय थ्री इसको चले मैं वैसे ही लिख देता हूँ वन थर्ड ऑफ x ये 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 इधर ही है ये फोर्टी एट परसेंट को मैं पॉइंट फोर एट लिख रहा हूं ये जो वन थर्ड ऑफ फोर्टी परसेंट है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा ठीक है वन थर्ड ऑफ फोर्टी परसेंट हम निकालते हैं तो फोर्टी को सिंपल हम पॉइंट फोर को हम थ्री से डिवाइड कर देंगे फोर तो तो डिजिट तक हम ले जाते हैं और ये भी जो वन थर्ड ऑफ फिफ्टी परसेंट है तो पॉइंट फाइव को आप डिवाइड करेंगे थ्री से तो इसको भी हम दूसरी तरफ जाके माइनस कर देंगे सो so, ये हमारे पास बनता है पॉइंट वन

प्रोडक्ट सी की सीएम एम रेशो नहीं थी ये हमें चाहिए क्यों चाहिए क्योंकि वो नया नई एवरेज पूछ रहे हैं आपसे तो नई एवरेज आप सी की सीएम रेशो के बगैर नहीं निकाल सकेंगे तो इसको सिंपल कैलकुलेट कर लें पॉइंट फोर एट माइनस पॉइंट वन कंटिन्यूस आई थ्री थ्री और माइनस पॉइंट वन कंटिन्यूस हमारे पास सिक्स सेवन ठीक है तो ये हमारे पास एटीन परसेंट पॉइंट वन एट आता है उसको आप थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गेट फिफ्टी फोर परसेंट ठीक है तो ये हमारे पास आंसर आ गया है, तो इसको 54 आ देंगे तो सी का तो यहां पे हम एज्यूम कर रहे हैं लेट एक्स बी सी एम रेशो ऑफ सी ठीक है तो अगर हम सी की सी एम रेशो जो है वो एक्स एज्यूम कर लें तो फिर ये कैलकुलेशन हम देख रहे हैं, तो

और बी की सीएम रेशो फिफ्टी परसेंट है सी की जो वेटेज आपको नहीं बता रहे हैं वो थर्टी फाइव परसेंट है और सी की सी एम रेशो हमने कैलकुलेट की है वो फिफ्टी फोर परसेंट तो ये हमारे पास आ जाएगी न्यू वेटेड एवरेज तो वेटेड एवरेज सी एम रेशो आफ्टर चेंज ऑफ मिक्स आफ्टर चेंज ऑफ मिक्स तो मिक्स चेंज होने के बाद जो सी एम रेशो आ रही आफ्टर चेंज ऑफ सेल्स मिक्स तो ये आप रिप्लेट कर सकते हैं आसानी से तो 40% परसेंट का 40% परसेंट प्लस इसमें कर देंगे आप 25% परसेंट ऑफ 50% परसेंट प्लस 35% परसेंट ऑफ 54% परसेंट तो ये नई जो रेशो बनती है ये 47.4% परसेंट बन रही फोर्टी तो देखें मिक्स चेंज होने से पहले मिक्स इक्वल था तो बेटी एवरेज क्वेश्चन में गिवन थी 48% परसेंट ठीक है अब मिक्स जो है वो बदल गया और सी एम रेशो जो है वो कम हो रही है ठीक है तो मिक्स बदला इस तरह से है ना जो ज्यादा ज्यादा हाई आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एक हमारे पास फिफ्टी परसेंट है यहाँ पे वेटेज इसका सीएम रेशो तो पहले वो थर्टी थ्री परसेंट सेल ओवर थी अब उसमें वेटेज कम हो गया जो लो सी एम वाली प्रोडक्ट थी वो ज्यादा सेल होना शुरू हो होगी जिसकी वजह से हमारा सीएम ओवरऑल फोर्टी परसेंट से रिड्यूस हो फोर्टी एट परसेंट से रिड्यूस होके थोड़ा सा ये टेक्निकल मैं बता आपको। तो ये सिंपल सी चीज है परसेंट थोड़ा सा हमारे पास आंसर है कैलकुलेशन तो तो कर कैसे करते हैं तो ये एक कैलकुलेशन एक एवरेज की ये फर्स्ट स्टेप था कि हमने वेटेड एवरेज कैल्कुलशन के तरीके का इस्तेमाल करते हुए मिसिंग फिगर कैलकुलेट की प्रोडक्ट सी और फिर हमने नए वेटेज को कैलकुलेट यूज करते हुए एक नई सी एम डब्ल्यू सी एम रेशो जो है वो उसकी कैलकुलेशन की है तो ये यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन था यह सी एम रेशो की प्रैक्टिस के हवाले से इसमें अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो जी आप पूछ सकते हैं एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस एम सी क्यू जो है ये uh, अच्छा एमसीक्यू क्यू है सीखने के लिए क्वेश्चन आप पूछना चाहें जो टाइप भी कर सकते हैं चाहे तो आप इसको जो अनम्यूट करके माइक जो है वर्बली भी पूछ सकते हैं तो अभी ये नमाज की ब्रेक है जी फॉर 15 मिनट्स और 6:55 से पहले पहले जो है जी आप वापस आ जाएं एंड वी विल रिज्यूम द क्लास फ्रॉम दिस पॉइंट थैंक यू जी तो ये एक क्वेश्चन है जी हमारे पास एक स्टूडेंट क्वेश्चन कर रही है कि सेल प्राइस अगर टेन परसेंट बढ़ जाए चैट चे, रूम में आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है पोस्ट किया हुआ है ठीक है तो ये एक रेंडम क्वेश्चन हम सॉल्व करें जी अगर कह रहे हैं जी सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर जाए इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस ठीक है बाय परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज इन वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है कि कितने ज्यादा यूनिट सेल हो रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो यूनिट ज्यादा सेल होने से सेलिंग प्राइस में तो चेंज नहीं आता ना ना ही वेरिएबल कॉस्ट बदलती है तो अगर सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट नहीं बदल रही तो इसका मतलब सीएम भी नहीं बदलेगा तो सीएम रेशो भी नहीं बदलेगी तो वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं होता है बेसिकली सीएम रेशो पे तो ये फाइव परसेंट इंक्रीज़ इन वॉल्यूम है इसका कोई इफेक्ट नहीं है ठीक है करंट सीएम रेशो जो है वो ट्वेंटी परसेंट है ठीक तो अब वो पूछ रहे हैं जी कि नई सीएम रेशो क्या होगी ठीक है आफ्टर इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड आफ्टर इंक्रीज इन वॉल्यूम तो न्यू सी एम रेशो पूछ रहे हैं तो बहुत आसान है ठीक है ये क्वेश्चन मार्क तो आपने सिंपल यूनिटरी मेथड यूज करना है अभी अभी सी एम रेशो क्या है ट्वेंटी परसेंट इसका मतलब है आपकी करंट करंट सेलिंग प्राइस कितनी है इफ करंट सेलिंग प्राइस इज इफ करंट सेलिंग प्राइस इज वन टू पी वन देन न्यू सेलिंग प्राइस कितनी होगी टेन परसेंट बढ़ा देंगे वन वन पॉइंट पर यूनिट ठीक, तो ठीक है तो वन पॉइंट वन हो जाएगी ना सेलिंग प्राइस ठीक है तो करंट अगर प्राइस वन है तो उसमें ट्वेंटी परसेंट सी है ना पॉइंट टू तो वन का पॉइंट टू सी है ट्वेंटी परसेंट और पॉइंट एट वेरिएबल कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं हो रही जस्ट प्राइस टेन परसेंट बढ़ रही है तो प्राइस कितनी है वन पॉइंट वन और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है वो स्टिल पॉइंट एट है ठीक है वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है तो आप न्यू सी एम रेशो निकाल लेंगे न्यू सी एम रेशो इक्वल्स टू अब नई सेलिंग प्राइस कितनी है वन पॉइंट वन वेरिएबल कॉस्ट तो वही है पॉइंट एट तो ये सी एम आ गया इसको डिवाइड कर देंगे नई सी एम रेशो से तो 1.1 से आप माइनस कर दें पॉइंट तो ये बनता है जी पॉइंट तो पॉइंट को आप डिवाइड कर दें 1.1 से तो नहीं सीएम रेशो जो है वो बढ़ के सीएम रेशो क्यों बढ़ गई क्योंकि सेलिंग प्राइस बढ़ी है तो सीएम बढ़ गया वेरिएबल कॉस्ट वो नहीं बढ़ी तो ये ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू सेवन परसेंट ये हमारा आंसर है ठीक है जी तो बोल आसान ये सारों को क्लियर होना चाहिए इसमें कोई क्वेश्चन है तो जी आप पूछ सकते हैं फिर आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो 52.5 परसेंट निकाला है हमने जो वेटेड एवरेज निकाली है ठीक है ये 52.5 परसेंट आ रही है तो यहां पे क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि जी अगर हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर, कर लें टू थाउजेंड को टोटल सीएम को डिवाइड कर दें टोटल सेल से फोर हंड्रेड थाउजेंड से तो ये डायरेक्ट हमारे पास आ जाता है जी फिफ्टी टू पॉइंट फाइव परसेंट मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड करें ठीक है तो ये डायरेक्ट ही क्यों नहीं हम निकाल लेते क्यों वेटेज वगैरह के चक्कर में पढ़ते हैं तो ये डायरेक्ट आपका सिर्फ कुछ क्वेश्चन में निकलेगा जो सिंपल क्वेश्चन अब ये सिंपल क्वेश्चन था तो ये डायरेक्ट भी निकल रहा है इसमें सेलिंग प्राइस नहीं बताई गई वॉल्यूम नहीं बताया गया तो क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं यहां पे वेटेज की जो कैलकुलेशन है वो बेस कर रही है सेलिंग प्राइस ये सेल्स पे बेस करिए वेटेज की कैलकुलेशन सेल्स पे बेस करिए अब इस क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया ही नहीं हुआ हमें तो जब वॉल्यूम आपको ना दिया जाए तो आपकी मजबूरी है कि आप सेल्स पे वेटेज निकालेंगे सेल्स वैल्यू पे तो सेल्स वैल्यू पे जो वेटेज निकलते हैं वो कैल्कुलेशन में मजबूरन हम यूज करते हैं अदरवाइज आपको जो वेटेज निकालना है वो वॉल्यूम की बेस पे निकालना है अब इस क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया ही नहीं हुआ तो फिर हमें सेलिंग प्राइस पे वेटेज निकालना पड़ा

शॉर्टकट जो है वो गलत हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन में जिन क्वेश्चन में आप वॉल्यूम की बेस पे वेटेज निकालेंगे ठीक है वॉल्यूम गिवन होगा तो फिर आप इसको इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते ठीक है, ठीक है? ठीक है? तो एनी अदर क्वेश्चन जी अभी तक जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसमें कोई क्वेश्चन है तो जी बता सकते हैं तो ये एक आ, अलग से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था तो उसको हम आंसर कर रहे थे एनी क्वेश्चन टिल नाउ इसके बाद हम थोड़ी सी जो है वो कॉम्प्लेक्स एक डिस्कशन की तरफ जाते हैं जिसमें सीधा सीधा जो है वो आपको डेटा नहीं दिया हुआ सेल वेरिएबल कॉस्ट का फिक्स कॉस्ट का तो लास्ट लेक्चर भी मैंने डिस्कस किया था कि कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो ना बताया जाए कि जी कॉस्ट वेरिएबल कितनी है फिक्स कितनी है तो मिक्स कॉस्ट आपको दे दी जाए और मिक्स कॉस्ट जो है वो आप उस, उसी से फिक्स और वेरिएबल को अलग अलग करें तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं जी ये कैफ एट से ये की जो बुक है कह रहे हैं ओक्टा को इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूस एंड मार्केट्स अ सिंगल प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट बनाते हैं और सेल करते हैं ठीक है प्रेजेंटली द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन अ प्लांट डेट रिलाइज ऑन डायरेक्ट लेबर फोर्स तो ये जो प्रोडक्ट बन रही है कह रहे हैं ये लेबर इंटेंसिव है

एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ रहे हैं जी आपसे ठीक है अब यहाँ पे ये तो बेसिकली इतना मुश्किल नहीं है रीजन इसके आपको यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रही सिंपल उसने कहा है जी ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर लें इन रुपीस एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही है ठीक है इसमें मसला नहीं है तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे आप बीपी का फार्मूला लिख लें ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज पूछ रहे हैं आपसे तो बीपी रुपीज का फार्मूला आपको याद है पीपी रुपीज इक्वल टू फिक्स रेशो तो फिक्स आपको क्वेश्चन में दी हुई है कॉस्ट आप देखें जी हमारे पास 6.3 मिलियन है फिक्स एक्सपेंसिज ये ठीक है 6.3 मिलियन इसको डिवाइड कर देंगे आप सीएम एम रेशो से तो सीएम कितना है इज मिलियन तो नाइन मिलियन को डिवाइड कर देंगे सेल्स से तो सीएम रेशो आ जाएगी डिवाइडेड बाय सेल्स ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मिलियन ठीक है तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो सिक्स पॉइंट थ्री मिलियन को डिवाइड करना है हमने डिवाइडेड बाय नाइन मिलियन डिडेड बाई ट्वेंटी टू तो ये सीएम ठीक हमारे पास बनती है नाइन नाइन को अगर हम डिवाइड कर दें नाइन मिलियन को 22.5 मिलियन से सीएम रेशियो है जी पॉइंट फोर तो 6.3 मिलियन को आप डिवाइड कर देंगे पॉइंट फोर मिलियन से तो ये जी फिफ्टीन पॉइंट सेवन फाइव मिलियन हमारे पास ये ब्रेक इवन पॉइंट है कि इतनी हाँ अगर हम सेल्स करते हैं तो प्रॉफिट जीरो होगा राइट अब वो पूछ रहे हैं जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताएं आप देख रहे हैं एक्चुअल सेल्स जो वो है वो ट्वेंट ट्वेंटी मिलियन है वो फिफ्टीन मिलियन से सिग्निफिकेंटली ज्यादा है तो हमने फर्स्ट लेक्चर में जो है वो फार्मूला इसका डिस्कस किया था ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो क्या होती है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो में फार्मूला आपको दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ कि जी आप देखते हैं कि जी सेल्स कितनी है और बी पी जो सेल्स हैं वो माइनस कर देते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो आपसे पूछ रहे हैं सिंपल मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ रहे हैं तो वो भी ठीक है लेकिन बेहतर होता है कि सेफ्टी आप निकाल लें दो, दोनों भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो सिंपल यहां पे आप देख रहे हैं जी ट्वेंटी मिलियन है ट्वेंटी मिलियन से माइनस कर देंगे बी सेल्स फिफ्टीन मिलियन ठीक है तो ये हमारे पास आ जाएंगी 22.5 मिलियन पॉइंट फाइव मिलियन 6.75 मिलियन जो है ये ब्रेक इवन ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन से जो ऊपर आप सेल्स करें ठीक है जी? तो 6.75 मिलियन तो इसका मतलब है कि जी ये सर्टेन अमाउंट आप ज्यादा सेल्स करें तो आप प्रॉफिट एरिया में प्रॉफिट अर्न करें ब्रेक इवन से ऊपर जब सेल्स होंगी तो आप प्रॉफिट अर्न करें तो ये सिंपल इसका पार्ट ये था क्वेश्चन का ठीक है इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी को क्रिएट करना था और ब्रेक इवन पॉइंट अगर आप क्वेश्चन में आपसे कहें जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो निकालें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो कैसे निकालते हैं तो ये भी हमने सीखा हुआ है कि आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी को डिवाइड कर देंगे सेल से तो सिक्स पॉइंट सेवन फाइव मिलियन डिवाइड हो जाएगा ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मिलियन से तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो आ जाएगा तो ये एक रिलेटिव मेजर है और ये ज्यादा बेहतर पिक्चर डिपिक्ट करता है तो जहां पे हम परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी जो हमें बताएगी कि कितने परसेंट सेल्स में कमी आएगी तो आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे तो ये थर्टी परसेंट इसका आंसर है ठीक है इसका मतलब सेल्स थर्टी परसेंट कम हो जाएं तो फिर आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे इसमें फर्दर कमी आती है सेल्स में तो फिर लॉसिस शुरू हो जाएंगे ये जाहिर है जितनी ज्यादा हाई हो उतना ज्यादा बिजनेस सेफर है ठीक है जी थर्टी सेल्स कम होगी तो ये बिजनेस ब्रेक इवन पे आएगा राइट तो इसका देखें सेकेंड पॉइंट है पार्ट बी ये इसी क्वेश्चन का कह रहे हैं व्हाट वुड व्हाट वुड बी द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो एंड ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इफ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 600 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाए 600 पर यूनिट तो वो कह रहे जी मार्जिन सी एम रेशो भी निकालें और बी पी यूनिट में बताएं तो आल्सो कंप्यूट सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ कंपनी विशिज टू मेंटेन मेंचीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ठीक है तो सी एम रेशो जो है प्रीवियस ईयर हमने देखा है कि ये प्रीवियस ईयर जो सी एम रेशो थी वो फोर्टी परसेंट थी नाइन मिलियन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मिलियन तो ये जो सी एम रेशो आपने प्रीवियस ईयर कैलकुलेट किया है ये ये फोर्टी परसेंट है ठीक तो, तो, है जी तो इक्वल्स टू फोर्टी परसेंट तो ओवरऑल यहां से तो खैर ये पहला ऐसा है ये पार्ट बी का के आप सी एम रेशो कैलकुलेट करें अगर सेलिंग प्राइस बढ़ जाए अगर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाए वेरिएबल कॉस्ट पड़ेगी सीएम कम हो जाएगा सीएम भी कम होगी ठीक है तो हम देखेंगे यहाँ पे पहले तो हमने देखना है कि जी सेलिंग प्राइस कितनी है, ठीक है तो ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मिलियन टोटल रेवन्यू है और एक यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है तो फाइव थाउजेंड हैं तो ये एक यूनिट की सेलिंग प्राइस आ जाएगी ठीक है तो ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मिलियन को डिवाइड कर देंगे फाइव थाउजेंड से तो वन यूनिट जो है उसकी सेलिंग प्राइस है फोर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज तो यहां पे हम मेंशन कर देंगे फोर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज पर यूनिट अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी पहले तो अब हम निकालेंगे जी न्यू वेरिएबल कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट आफ्टर रिडक्शन आफ्टर इंक्रीज सॉरी वेरिएबल कॉस्ट से बढ़ कॉस्ट कितनी देखिए पहले वेरिएबल कॉस्ट टोटल किया यूनिट्स कितने थे 500, तो एक की थी, उसमें आप सिक्स हंड्रेड रुपीज एड कर देंगे कह रहे हैं जी कॉस्ट आपकी सिक्स हंड्रेड से बढ़ी है राइट तो थर्टीन पॉइंट फाइव मिलियन को डिवाइड किया फाइव थाउजेंड से तो ये एक यूनिट की तो वेरिएबल कॉस्ट है ट्वेंटी सेवन हंड्रेड उसमें सिक्स हंड्रेड हमने एड कर दिया तो अब जो कॉस्ट है वो थर्टी थ्री हंड्रेड है ठीक तो है तो यहाँ पे थर्टी थ्री हंड्रेड रुपीज है वेरिएबल कॉस्ट रुपीज पर यूनिट ठीक है यूनिट गिवन ना हो तो जाहिर है फिर ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे ये वाला जो आपसे पूछ रहे हैं अभी ठीक है देखिये हर चीज जो है वो डेटा गिवन होगा रिलेवेंट तभी तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ठीक है तो ऐसा तो नहीं होगा कि जी आपको बिल्कुल खाली पेपर दे देके जी सॉल्व करो राइट सो डेटा गिवन होगा जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको उसको सॉल्व करने का डेटा भी होगा क्वेश्चन में आपके पास तो ये आप स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि, कि अगर यूनिट्स गिवन ना हो तो फिर क्या करेंगे तो यूनिट्स गिवन है तो तभी वो आपसे पूछ रहे हैं सो so, यहां पे हमारा देख रहे हैं जी आप सेलिंग प्राइस तो अब अब हम नई नई सी एम रेशो निकाल लेंगे न्यू सी एम रेशो तो ये बहुत सिंपल है कि हमारे पास सेलिंग प्राइस है फोर्टी फाइव हंड्रेड उसमें से नई वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी तो नया सी एम आ गया ठीक है जी? और इसको हमने सेलिंग प्राइस से सीएम को डिवाइड कर दिया सेल प्राइस से ठीक है, है जी? तो ये हमारे पास सी एम रेशो आ जाएगी तो फोर्टी फाइव हंड्रेड से माइनस करें अगर हम थ्री थाउजेंड तो ये बनता है हमारे पास सी एम ट्वेल्व हंड्रेड का तो ट्वेल्व हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर्टी फाइव हंड्रेड तो ये सी एम रेशो ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट बनती है ठीक है जी? तो 26.67 परसेंट ठीक है तो पहले सी एम रेशो कितनी थी 40 परसेंट वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने से सी uh, एम कम हो गया और जो सी एम रेशो है वो रिड्यूस हो गया 26.67 परसेंट पे आ गई अब आपसे पूछ रहे हैं जी कंपनी आल्सो कंसिडरिंग एक्विजिशन ऑफ अ न्यू ऑटोमेटेड प्लांट ठीक है दिस वुड रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम cost बाय 50% of ऑफ द अमाउंट कंप्यूटेड इन बी बी में देखा है हमने वेरिएबल कॉस्ट कितनी है जी कह रहा है कि ये प्लांट uh, परचेज करने से वेरिएबल कॉस्ट 50% परसेंट कम हो जाएगी 3300 का 50% परसेंट रह जाएगी फिक्स कास्ट विल इंक्रीज बाय 100% परसेंट फिक्स कॉस्ट डबल हो जाएगी हंड्रेड परसेंट इंक्रीज है उसमें इफ द न्यू प्लांट इज रिक्वायर्ड हो मैनेज यूनिट विल हैव टू बी सोल्ड नेक्स्ट ईयर टू अर्न नेट इनकम ऑफ थ्री पॉइंट वन फाइव मिलियन ठीक है तो ये आपने कैलकुलेट कर लेना है। यूनिट्स आपसे पूछ रहे हैं कि कितने यूनिट्स हमें सेल करने पड़ेंगे टू अन थ्री पॉइंट वन फाइव मिलियन प्रॉफिट तो हमने सीखा हुआ टारगेट सेल्स यूनिट्स कैसे निकाल लें टारगेट प्रॉफिट को सामने रखते हो तो टारगेट सेल्स यूनिट्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट तो हम देख रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट जो ऑलरेडी है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है डेट इज 6.3 मिलियन अब ये डबल हो जाएगी कह रहे हैं 100 परसेंट इंक्रीज आ जाएगा ना इसमें तो मल्टीप्लाई बाय टू ये फिक्स कॉस्ट हो गई प्रॉफिट हमें कितना चाहिए ये क्वेश्चन में गिवन है आपको 3.15 मिलियन प्रॉफिट चाहिए ठीक है तो ये नोमिनेटर हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस इज हमने कैलकुलेट किया है फोर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज है सेलिंग प्राइस और नई मशीन देने से वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी थर्टी थ्री हंड्रेड से फिफ्टी परसेंट कम होगी तो फिफ्टी परसेंट रहेगी ये ठीक है तो ये रुपीज पर यूनिट है और ये भी रुपीज पर यूनिट तो ये सी एम पर यूनिट आ गया हमारे पास ठीक है तो सी एम पर यूनिट से डिवाइड करना है तो ये सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे तो ट्वेल्व पॉइंट सिक्स मिलियन बनता है जी सिक्स पॉइंट थ्री इंटू टू प्लस 3.15 मिलियन है हमारे पास प्रॉफिट जो हमें चाहिए तो ये टोटल है जी 15.75 मिलियन जो टोटल सी एम हमें चाहिए 3.15 मिलियन प्रॉफिट इसको डिवाइड कर दें आप तो 4500 माइनस 3300 थ्री हंड्रेड इंटू पॉइंट फाइव परसेंट तो टू थाउजेंड हमारे पास बनता है जी. सी एम पर यूनिट तो ये रुपीज रुपीज कैंसिल जाएंगे यूनिट्स में आसर आ जाएगा तो ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं था आई वाज एक्सपेक्टिंग ये थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा एनी वेज सो टू एट फाइव जीरो से आपने डिवाइड कर दिया और फाइव थोजेंड फाइव ट्वेंटी सिक्स यूनिट्स जो है आपको सेल करने पड़ेंगे टू अर्न दिस प्रॉफिट देखें सेल प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन है और सेल प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा सेल प्राइस हमने बी में ये की है, ये, 4500 तो, पार्ट ए में हमें सेल प्राइस की जरूरत नहीं है ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं जी पार्ट ए में सेल प्राइस की कोई जरूरत नहीं है सी एम रेशियो आप टोटल वैल्यू से भी निकाल सकते हैं पर यूनिट वैल्यू की जरूरत नहीं है ठीक है तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया इसमें कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं इजी सा क्वेश्चन था तो आप पूछ सकते हैं वो कह रहे हंड्रेड परसेंट ये क्वेश्चन है जी कि ये टू से मल्टीप्लाई हमने क्यों किया है क्योंकि हंड्रेड परसेंट इंक्रीज है ना हंड्रेड परसेंट इंक्रीज का क्या मतलब होता है कि पहले वो खुद वन है उसमें प्लस वन हो गया तो डबल हो गया वो ठीक है जी पार्ट बी में सेलिंग प्राइस हमने निकाली ये सेलिंग प्राइस कैसे निकाली कि हमने टोटल सेल्स को टोटल सेल्स को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया है फाइव थाउजेंड से तो सेलिंग प्राइस हमारे पास फोर्टी फाइव हंड्रेड आई थी ठीक है तो ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ये बहुत सिंपल है कि सेलिंग प्राइस कैसे निकाली ठीक है टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स तो सेलिंग प्राइस आ गई हमारे पास तो वही सेलिंग प्राइस हम यूज कर रहे हैं पार्ट सी में भी ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है कोशिश करते हैं आज हम इसको सॉल्व कर लें ठीक है जब कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आएगी मिक्स कॉस्ट वगैरह जब आपको अवेलेबल हो क्वेश्चन में ठीक है तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के हवाले से अब यहाँ पे देखें हमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी गई है क्वेश्चन में ठीक है तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे उसके बाद जो है वो क्वेश्चन uh, सॉल्व हो सकता है

बजट कास्ट एट दू बजटेड कॉस्ट आपको बता दी अब देखिए अगर आप प, ए, हमने सीखा था ये कास्ट भी करते हैं कि वेरिएबल पर यूनिट चेंज नहीं होती है ये थ्री सिक्सटी थाउजेंड है इसको सिक्सटी थाउजेंड से डिवाइड करें तो पर यूनिट कास्ट हमारे पास सिक्स आ जाएगी और फोर एटी थाउजेंड को अगर हम डिवाइड करें एटी थाउजेंड से तो, तो भी सिक्स आ जाता है इसका मतलब है ये प्योर वेरिएबल कास्ट है ये पर यूनिट चेंज नहीं हो रही ठीक है 360, 60, six, और 480, 80, six, तो लेबर कॉस्ट अगर आप देखें तो टू हंड्रेडेंड को अगर आप डिवाइड करेंड 60 से, 60, से तो हमारे पास जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट बनती है वो थ्री पॉइंट थ्री 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 है ठीक है इसको अगर आप यहां पे देखें 80000 को से डिवाइड करें 260000 से को 260000 डिवाइडेड बाय 80000 ठीक है तो ये 3 पॉइंट यहां पे ये 3.333 3.33 33, और यहाँ पे पर यूनिट जो है ये पर यूनिट हम निकाल रहे हैं यहाँ पे पर यूनिट जो है वो 3.25 हो गई इसका मतलब है ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होती है यहां पे पर यूनिट 6 से और यहाँ पे भी मटीरियल थी इसका मतलब मटीरियल वेरिएबल कॉस्ट है लेबर आप देख रहे हैं पर यूनिट चेंज हो रही है तो इसका मतलब है लेबर जो है वो मिक्स कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट नहीं है चेंज तो हो रही है ना टू ये से मिक्स रही है, 260, इसका मतलब है, है लेकिन पर यूनिट चेंज आ रहा है इसमें। यहाँ पे यह फैक्ट्री की बात करो तो ये भी पर यूनिट चेंज हो रही है हम कैसे निकाल रहे हैं पर यूनिट सिंपल हम टोटल वैल्यू को यूनिट से मल्टीप्लाई करें ठीक है तो यूनिट से जो है वो एक सेकेंड ये शायद आ, साथ रिपेयर्स का काम हो रहा है जी। तो ये ऑफिस में जी हम अभी मौजूद हूँ मैं और यहाँ पे मे बी सास वाले ऑफिस में, में रिपेयर का काम हो रहा है इसलिए मैंने जो है वो उसको म्यूट किया था यानी anyway, यहाँ पे हंड्रेड थाउजेंड को अगर आप डिवाइड करें सिक्सटी से तो ये वन पॉइंट सिक्स सेवन बनता है जी हमारे पास वन पॉइंट सिक्स सेवन और वन टेन थाउजेंड को अगर आप डिवाइड करते हैं एटी थाउजेंड से ठीक है जी? तो ये हमारे पास वैल्यू आती है वन पॉइंट थ्री सेवन फाइव तो आप देख रहे हैं कि पर यूनिट कास्ट चेंज हो रही है ठीक है जी तो ये मैं बता दे रहा हूं कि मटीरियल की पर यूनिट कास्ट चेंज नहीं हो रही है प्योर वेरिएबल कास्ट है लेबर फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट इन तीनों की पर यूनिट कास्ट बदल रही है ये कॉस्ट टोटल में तो चेंज आ रहा है ना लेकिन पर यूनिट कास्ट बदल रही है इसका मतलब है ना ये फिक्स्ड हैं फिक्स में तो टोटल चेंज नहीं होता और ना ही ये प्योर वेरिएबल है क्योंकि पर यूनिट कास्ट बदल रही है तो ये मिक्स कॉस्ट है अगर क्वेश्चन में आपको मिक्स कॉस्ट दे दी जाए तो उसका वेरिएबल पोर्शन और फिक्स पोर्शन आप अलग करेंगे ठीक है जी? तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे देखें पहला इसका पार्ट है कंप्यूट द बीपी ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज एंड यूनिट्स आप कह रहे हैं जी कैलकुलेट करें और इफ द कंपनी डिसाइड सेलिंग प्राइस उन्होंने बता दिया 16 है और एक और चीज यहां पे बता रहे हैं प्रोडक्शन वुड बी सोल्ड थ्रू डिटेलर हु विल रिसीव कमीशन ऑफ एट तो एट सेल्स कमीशन है कमीशन भी वेरिएबल कॉस्ट होती है ठीक है तो जो जो हमारी प्योर वेरिएबल कॉस्ट है वो तो हमें पता है कि वेरिएबल है जो मिक्स mix, जो मिक्स कॉस्ट है उसके लिए फिर हम वेरिएबल और फिक्स पोर्शन को अलग करेंगे तो यहां पे हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो यहां पे हम हाई लो पॉइंट मेथड यूज कर सकते हैं ठीक है थीके? तो ए के लिए आप देखेंगे हाई एंड लो ठीक है तो एक्टिविटी तो हाई पॉइंट क्या है एक्टिविटी यूनिट्स में बोटल्स में तो हम यूनिट्स लिख रहे हैं तो मैक्सिमम हाई एक्टिविटी कितनी है एटी थाउजेंड और लो एक्टिविटी कितनी है सिक्सटी थाउजेंड राइट और यहां पे टोटल कॉस्ट है अब टोटल कॉस्ट किसकी लेबर कॉस्ट तो लेबर कॉस्ट लेबर कॉस्ट जो हाई सिंपल हमने चेंज देख लिया कि जी एक्टिविटी में कितना चेंज है और कास्ट में कितना चेंज है अब हम इन चेंजेस को सामने रखते हुए वेरिएबल कास्ट पर पर यूनिट निकाल लेंगे जी सबकी तो ये देखिएगा जी ये कैसे करें का साठ हजार से बढ़ी है और बीस हजार यूनिट की वजह से साठ हजार का चेंज आ रहा है तो पर यूनिट कितना चेंज आ रहा है थ्री रुपीज का ओवरहेड में आप देख रहे हैं कि तीस हजार जो है वो ओवरहेड बढ़े हैं, फैक्ट्री ओवर ठीक है और जाहिर है है वो जो हैड्स की वो वेरिएबल तो कितने की वजह से ये increase आ रहा है, की वजह से तो इसका मतलब है रुपीस पर यूनिट जो है वो वेरिएबल एफ ओ है ठीक है सेम वे हम एडमिनिस्ट्रेटिव देखेंगे कि जी variable कितने हैं एक तो ये हमारी एक लेबर कॉस्ट वेरिएबल है एक वेरिएबल एफ एच एक फिर हमारे पास वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर हेड है और जो हमने देखा था डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है मटेरियल कॉस्ट सारी की सारी वेरिएबल थी वो सिक्स रुपीज पर यूनिट थी और सेल्स कमीशन आपको बता रहे हैं क्वेश्चन में वो एट परसेंट है सेल्स कमीशन किसका होता है सेलिंग प्राइस का सेल्स का तो वो सेल्स बता रहे हैं आपको क्वेश्चन में कि सिक्सटीन रुपीज पर बोटल है और सेल्स कमीशन एट परसेंट है तो 16 का परसेंट है ये भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है ठीक है जी तो 16 इंटू एट परसेंट ठीक है तो ये रुपीस हैं पर यूनिट तो ये 16 का आप 8% परसेंट निकाल लेंगे तो ये वन पॉइंट समथिंग तो ये हमारे पास वैल्यू बनती वन पॉइंट टू एट तो यहां पे हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी वन पॉइंट टू एट रुपीज पर यूनिट इन सारी वेरिएबल कॉस्ट को आप ऐड कर देंगे तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी ठीक है जी टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम यूज करेंगे कैलकुलेशंस में 1.28 प्लस 6 प्लस 0.5 प्लस 1.5 प्लस 3 तो टोटल हमारे पास बनता है जी 12.28 ठीक है तो इसी तरह से आप देखेंगे यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन करेंगे फिक्स तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं आप टोटल कॉस्ट ठीक है माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो ये फिक्स कॉस्ट हमारे पास आ जाती तो cost, है तो टोटल कॉस्ट देखें आप लेबर कॉस्ट टोटल कितनी है लेबर कॉस्ट टोटल कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं चाहे एटी थाउजेंड वाला पॉइंट ले लें चाहे सिक्सटी थाउजेंड वाला पॉइंट ले लें ठीक है तो ये फार्मूला हमारे पास है इसको मैं यूज करूं तो यहां पे हम लिखेंगे फिक्स्ड लेबर कॉस्ट ठीक है फिक्स्ड लेबर कॉस्ट हम निकालेंगे फिक्स कॉस्ट लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगी टोटल हमारे पास आप देखें जी देखेंड पे वो टू सिक्स थाउजेंड तो हम एटी थाउजेंड वाला पॉइंट यूज करें तो टू सिक्स और एटी यूनिट तो कितनी है आप देख रहे हैं पर यूनिट थ्री है ठीक है तो पर यूनिट थ्री है तो आप इसको ये ये टोटल कॉस्ट है इसमें से वेरिएबल माइनस कर देंगे तो वेरिएबल एटी थाउजेंड यूनिट हैं हर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है थ्री एटी थाउजेंड इन थ्री तो टू फोर्टी थाउजेंड बनता है जी हमारे पास ये यूनिट्स हैं ये रुपीज पर यूनिट है तो फिक्स कास्ट कितनी है ट्वेंटी थाउजेंड इसी तरह से फिक्स्ड फैक्ट्री ओवर निकालेंगे आप तो टोटल फैक्ट्री ओवर कितने हैं एटी थाउजेंड पे वन फिफ्टी थाउजेंड ठीक है तो सेम वे आप ये भी कैलकुलेट करें तो इसको कैलकुलेट कर लें वन फिफ्टी थाउजेंड एटी थाउजेंड को मल्टीप्लाई करें अगर हम वन पॉइंट फाइव से वन ट्वेंटी थाउजेंड बन जाएगा तो ये थर्टी थाउजेंड बन जाता है ये हमारे पास ठीक है और फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एद्मिस, एद्मिस्ट, कॉस्ट आप देख लेंगे वो वन टेन थाउजेंड है और पर यूनिट पॉइंट फाइव है वेरिएबल 0.5 पॉइंट फाइव यहाँ से माइनस कर लेंगे तो फोर्टी थाउजेंड माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे सेवेंटी थाउजेंड आ जाएगा तो ये फिक्स कॉस्ट है ये और ये टोटल फिक्स कॉस्ट आप देख लेंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू रुपीज वन ट्वेंटी अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम जो रिक्वायरमेंट है कि जी आप बीपी निकालें यूनिट्स में भी और रुपीज में भी ठीक है तो अब हम निकाल सकेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट पीपी यूनिट्स में कैसे निकालते हैं फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएम पर यूनिट सो फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू 120,000 एंड सीएम पर यूनिट आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेलिंग प्राइस 16 है और वेरिएबल कॉस्ट हमने देखी कि 12.28 है ठीक है तो यहां पर देखेंट डेटा नहीं गिवन था वेरिएबल कॉस्ट का ये आप कैलकुलेट करें सो रुपीज पर यूनिट तो रुपीज रुपीज कैंसिल हो जाएंगे यूनिट्स में आपके पास आंसर आ जाएगा तो 120 थोर्ण को आप डिवाइड करेंगे, तो 16 माइनस 12.28 तो ये सीएम हमारा बनता है पर यूनिट 3.72 तो 120 थोर्ण डालिए बाय 3.72 तो ये हमारे पास जी बीपी इन यूनिट्स है 32 थोर्ण 258 राउंड ये राउंड अबाउट इतने यूनिट्स अगर हम सेल करते हैं तो बीपी होगा ठीक है तो बी पी रुपीज़ भी आपसे पूछ रहे हैं तो बी पी रुपीज़ का फार्मूला अगर हम देखेंगे तो फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय सी एम रेशो है राइट तो फिक्स कास्ट कितनी है वन ट्वेंटी थाउजेंड और सी एम रेशो कैसे निकालते हैं आप तो सी एम को डिवाइड कर देते हैं सेलिंग प्राइस से तो पर यूनिट वैल्यूज भी यूज़ कर सकते हैं टोटल वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं ठीक है तो ये क्वेश्चन जो है ये कैफ एट से है सी ए क्या जो क्वेश्चन बैंक है कैफ एट का उसका सेकंड क्वेश्चन है ये, ये मैंने सेंड किया हुआ है आपको तो आप अपने तौर पे भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं तो ये सीएम एम रेशा बनती जी ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू फाइव ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू फाइव तो वन ट्वेंटी थाउजेंड को आप डिवाइड कर देंगे 20, आ, आ, तो हमारे पास सी एम आ जाएगा इन रुपीज तो ये बनता है जी हमारे पास ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ये सॉरी डिवाइड करना है हमने तो वन ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय पॉइंट थ्री टू थ्री फाइव तो फाइव सिक्सटीन थाउजेंड वन ट्वेंटी नाइन इतने रुपीज इतने रुपीज की सेल होगी तो बीपी होगा इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि यूनिट्स को हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी यही आंसर आएगा ठीक है जी तो ये इसका पार्ट वन था ठीक है जी पार्ट ए में वो कह रहे हैं आपसे कि बीपी निकाले रुपीज में और यूनिट्स में सेकंड देखें जी इसमें कह रहे हैं पॉइंट जो बी है इसकी बी रिक्वायरमेंट है कह रहे कंप्यूट दीपी यहां तक कोई क्वेश्चन है तो जी आप पूछ सकते हैं कंप्यूट द बी पी इन यूनिट इफ कंपनी ऑफर्स डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट ऑन परचेज ऑफ ट्वेंटी और मोर बोटल अगर कोई कस्टमर ट्वेंटी या उससे ज्यादा बोटल इकट्ठी परचेज करता है तो जी ये क्वान्टिटी डिस्काउंट दे रहे हैं अवेल द डिस्काउंट तो ये एक प्रोडक्ट मिक्स की तरह हो गया कि ट्वेंटी परसेंट सेल्स जो है वह आपकी टेन परसेंट डिस्काउंट पे होंगी ठीक है ची? तो ये देखिए सिंपल है इसमें और बाकी जो 80% परसेंट सेल्स हैं वो इसी तरह होंगी जैसे पार्ट ए में थी तो यही डेटा है बिल्कुल आपने इसको देख लेना है कि सी एम रेशोजन ट्वेंटी परसेंट वेटेज है हमारे पास ठीक है एक वेटेज है ट्वेंटी परसेंट कस्टमर्स जो है वो डिस्काउंट लेंगे ठीक है जी जाहिर है वो डिस्काउंट लेंगे तो Uh, उसमें आपका सीएम पर यूनिट चेंज हो जाएगा ट्वेंटी परसेंट सेल्स का ठीक है और एटी परसेंट जो है वो डिस्काउंट नहीं लेंगे तो उनका सी एम पर यूनिट वगैरह जो अभी हम पार्ट ए कर रहे थे उसी के मुताबिक रहेगा तो एटी परसेंट ठीक है तो फार फॉर ट्वेंटी परसेंट सेल्स सॉरी फॉर सेल्स आप इसको कहते सकते फॉर सेल्स एट डिस्काउंट ठीक है और फार नॉर्मल सेल्स तो नॉर्मल सेल चोंग की भाई तो सीएम पर यूनिट आप निकालेंगे तो यहाँ पे सीएम पर यूनिट हमने देखा था कि 16 से आपने माइनस किया 12.28 तो 16 माइनस 12.28 तो ये हमारे पास था 3.72 और यहाँ पे जाहिर है डिस्काउंट जब आप देंगे तो 16 सेलिंग प्राइस है आपकी तो इसका 90% आप चार्ज करेंगे टेन परसेंट डिस्काउंट हो जाएगा तो इस ये नई सेल वैल्यू है अब आप वेरिएबल कास्ट भी आपको दोबारा से देखनी पड़ेगी तो वेरिएबल कास्ट देखें जो लेबर की है कास्ट वो वन पॉइंट फाइव है ठीक है जा? तो इसमें से माइनस करेंगे थ्री माइनस तो ये टोटल आप देखेंट फाइव हमारे वेरिएबल एफ ओ एच है ये हमारे पास फैक्ट्री रेट थे सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव वेरिएबल पॉइंट फाइव ठीक है जा? और डायरेक्ट मटीरियल सिक्स है और यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं दोबारा से यहाँ पे प्लस सिक्स और यहाँ पे हमारा जो कमीशन है सेल्स कमीशन वो चेंज हो जाएगा अब सेल वैल्यू बदल रही है ना सेल वैल्यू ये है सिक्सटीन का नाइनटी परसेंट तो कमीशन भी इसी वैल्यू पे मिलेगा सिक्सटीन इंटू नाइनटी परसेंट इंटू एट परसेंट तो ये कमीशन की वैल्यू है पर यूनिट तो कमीशन की वैल्यू भी हमने चेंज करनी है जरा ध्यान रखना है आपने कि नई सेलिंग प्राइस को आप मल्टीप्लाई करें कमीशन परसेंटेज से ठीक है बाकी सिंपल है कि 12.28 में से जो पहले कमीशन था वो कितना था 1.28 1.28 का कमीशन माइनस हो जाएगा और नया कमीशन ऐड हो जाएगा ठीक है जी 16 का 90 परसेंट एंड उसका रिजल्टेंट 10 परसेंट तो नई वेरिएबल कॉस्ट बनती है ट्वेल्व पॉइंट फोर फोर खैर आप इसको को करेंगे तो आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो नया जो सीएम पर यूनिट बनता है वो यहां पे बन जाएगा जी वन पॉइंट वन पॉइंट नाइन सिक्स अब आप वेटेड एवरेज सीएम पर यूनिट निकालेंगे ठीक है अब आपसे जो रिक्वायरमेंट जो है क्वेश्चन में वो आपसे कह रहे हैं कि ब्रेक इवन आपने निकालना है सिर्फ यूनिट्स में ठीक है जी तो सिर्फ यूनिट्स में चाहिए रुपीज में नहीं चाहिए राइट सिर्फ यूनिट्स में ही चाहिए तो इसका मतलब हम ये सीएम पर यूनिट का एवरेज निकाल के फार्मूला में यूज कर लेंगे तो वेटेड सीएम पर यूनिट 20 20 तो 20% ऑफ व्हाट 20% ऑफ 1.96 तो 1.96 का 20% कैलकुलेट कर लिया तो ये बनता है जी 0.392 और 80% ऑफ 3.72 तो 80% ऑफ 3.72 तो ये है जो 2.976 ये दोनों को ऐड कर देंगे आप तो ये वेटेड एवरेज सीएम पर यूनिट आ जाएगा तो प्लस 0.392 तो 3.368 3.368 अब ये मल्टी प्रोडक्ट वाला केस हो गया ना कि दो डिफरेंट तरह के सीएम आ रहे हैं उनका वेटेज डिफरेंट है राइट तो अब आप बीपी निकाल देंगे यूनिट्स में तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास सेम है जी 120000 तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज सीएम रेशो आ जाएगी यहाँ पे तो फिक्स कॉस्ट इज 120000 डिवाइडेड बाय सीएम uh, एम नहीं सॉरी सीएम पर यूनिट है ये आपने यूनिट्स में निकाल लें वो रुपीज में निकाल लें वो तो आप सीएम एम यूज करते हैं so, सीएम पर यूनिट सो रुपीज वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाय 3.368 पॉइंट पर यूनिट तो रुपीज रुपीज कैंसिल हो जाएगा यूनिट्स में आपका आंसर आ जाएगा तो वन को आप डिवाइड कर देंगे थ्री से तो ये हमारे पास बनते हैं जी थ्री थर्टी फाइव ठीक है हमारे पास ये यूनिट्स हैं एक 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 शायद हमने अब पहले हमारे पास यूनिट्स कितने थे जो बी पी यूनिट्स जहाँ पे एक ही जीरो हमने यहाँ पे कम लगाया है तो यहाँ पे नाइन आ जाएगा जी हमारे पास ठीक है तो ये यूनिट्स आप देख रहे हैं कि जी हमारे पास सेलिंग प्राइस अब हम डिस्काउंट देना शुरू हो गया ना पहले तो हम डिस्काउंट नहीं देते थे तो डिस्काउंट देने से हमारा जाहिर है जो सी है वो होगा, काम होगा है? पर काम होने से हमारा बीपीट बढ़े बीपीटेंड टू फिफ्टी सेल करने से आपका जीरो हो रहा था। अब आपको जीरो प्रॉफिट पे आने के लिए थर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी सेल करने पड़ेंगे रीजन इज रीजन इज कि आप ट्वेंटी परसेंट यूनिट जो है वो डिस्काउंट पे सेल करें ठीक है पहले आप डिस्काउंट ऑफर नहीं कर रहे थे ठीक है तो ब्रेक इवन के के लिए आपकी यूनिट्स बढ़ जाएंगे हाँ प्रॉफिट्स आपके बढ़ सकते हैं हो सकता है कि जी आपका रेवेन्यू टोटल बढ़ जाए ज्यादा यूनिट्स आप सेल करना शुरू हो जाए लेकिन ब्रेक इवन इज अनदर कंसेप्ट ब्रेक इवन होता है कि आपको बीपी के लिए कितने यूनिट सेल करने पड़े तो यहां पे आप देख रहे हैं देर इज इंक्रीज इन यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अचीव बीपी ठीक है तो आज के लिए हम यहाँ पे क्लोज करेंगे मे भी हम आ, कोशिश करूँगा मैं कि कमिंग लेक्चर में मैं ये टॉपिक जो है वो क्लोज करके नया टॉपिक हम शुरू करें ताकि आपका जो टाइम जो है वो भी सेव हो थोड़ा और उसमें जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ समझ आना शुरू हो चीजें और आ, अगर हम कल मुकम्मल ना कर सके तो जाहिर है इसमें एक और लेक्चर फिर हमें सी का चाहिए होगा राइट तो कमिंग क्लासेस जो है उनका शेड्यूल आपको मिल जाएगा वो पहले भी मैंने शेयर किया हुआ है फर्दर मैं शेयर कर दूंगा और नेक्स्ट वीक से जो है हमारा एक फिक्स टाइम टेबल हो जाएगा वही फिर हम वीकली फॉलो किया करेंगे फॉर थ्री फोर वीक्स उसके बाद थोड़ी मामूली सी चेंजेस आएंगी उसमें और फिर एक और टाइम टेबल हम एंड तक फॉलो करेंगे तो दो टाइम टेबल हम आगे लेके चलेंगे सो so एनी वेज अभी यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी सिंपल आज हमने क्या किया है फोकस हमने किया है मल्टी प्रोडक्ट बीपी एनालिसिस को ठीक है उसमें वेटेड एवरेज सी एम रेशो कैसे निकालनी है वो भी हमने देखी वेटेड एवरेज सी एम पर यूनिट कैसे निकालना है जी वो भी हमने कैलकुलेट किया ठीक है और मिसिंग फिगर मिसिंग सी एम रेशो कैसे निकालनी है वेटेड एवरेज रेशो से और नया मिक्स जो है उसके मुताबिक कैसे सी एम रेशो निकालना कैलकुलेट करनी है फिर इसमें हमने देखा कि अगर मिक्स कास्ट दी हो तो कैसे पहचानेंगे हम के जी मिक्स कास्ट कौन सी है और हाई लो पॉइंट मेथड हमने यूज़ किया है टू सेग्रीगेट वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम फिक्स कॉस्ट ठीक है और तो मेजर फोकस आज ये था कि हम मल्टी प्रोडक्ट इन्वायरमेंट में स्टडी कर लें तो कोई नई चीज़ नहीं है जो रहती हो हमारी इस टॉपिक में डिस्कशन के हवाले से तो नेक्स्ट लेक्चर में प्योर जो है वो प्रैक्टिस होगी और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ मजीद टफ़ चीज़ें जो है वो आपके सामने लाई जाए ठीक है तो असाइनमेंट के हवाले से जो काम आपने करना है वो आप नोट करेंगे ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसमें जो गैरिजन और नरन की बुक है वहाँ से ये चैप्टर नंबर जो है वो सिक्स है ये ठीक है जी चैप्टर सिक्स थर्टीन की बात कर रहा हूँ तो ये आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे मैं आपको शेयर करता हूँ तो ये चैप्टर सिक्स है इसमें आपने एक एक्सरसाइजिज मैंने कल आपको तकरीबन मुकम्मल दे दी थी सिर्फ दो क्वेश्चन उसमें रहते थे तो एक्सरसाइजिज आपको मुकम्मल आनी चाहिए उसमें जो कल मैंने क्वेश्चन दिए थे उसमें दो तीन क्वेश्चन का एडिशन है जस्ट तो चैप्टर सिक्स की एक्सरसाइजिज मुकम्मल होंगो ठीक है जो वो एटीन क्वेश्चन हैं उसमें से रफली मैंने आपको कोई फिफ्टीन सिक्सटीन क्वेश्चन तो कल ही दे दिए थे दो क्वेश्चन यहाँ से मज़ीद हैं प्रॉब्लम्स हैं जी आपके पास ठीक है जी प्रॉब्लम्स में आपनेट टू वन ट्वेंटी वन क्वेश्चन करना है आपने सॉरी नाइनटीन क्वेश्चन करना है ट्वेंटी क्वेश्चन करना है ट्वेंटी वन भी आप कर सकते हैं उसमें ग्राफ्स हैं ग्राफ्स हमने डिस्कस किए कैसे बनाएंगे आप और कास्ट स्ट्रक्चर जो है वो भी हमने डिस्कस किया है तो इसको जी मुकम्मल करें इसकी प्रॉब्लम्स भी आपको आनी चाहिए ठीक है जो जो चीज जो चीज़ नहीं आती है आप मेरे से पूछेंगे तो केसेस की खैर जरूरत नहीं है तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन से लेके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन है थर्टी थर्टी वन तक सॉरी ठीक है तो थर्टी वन तक ये रफली ट्वेल्व थर्टीन क्वेश्चन बनेंगे और uh, ये प्रॉब्लम्स uh, आपने सॉल्व करनी है ये सोलूशन मैंने इनका भेजा हुआ है आपको लेकिन सोलूशन आपने यूज किस तरह से करना है कि आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको कंपेयर करेंगे सोल्यूशन uh, के साथ अगर आपका क्वेश्चन ठीक है वेल एंड गुड अदरवाइज अगर आपको सोलूशन से समझ आती है तो तो ठीक है ठीक है जी तो uh, अगर समझ नहीं आती तो फिर आप मेरे से पूछेंगे कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ ये आप सॉल्व करवा दें ठीक है तो ये सोल्यूशन इसको मैंने सबको भेजा हुआ है ग्रुप uh, में भी है ग्रुप में आप देख भी सकते हैं और जो लोग बाद में ऐड किए उनको मैंने इंडिविजुअली सेंड कर दिया तो स्टिल अगर किसी के पास नहीं है तो वो आप पूछ सकते हैं दूसरा कैफ एट से दो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं ठीक है जी कैफ एट में क्वेश्चन ही टोटल तीन है और तीसरा क्वेश्चन जो है वो बड़ा अजीब सा है उसमें कुछ नॉन टेक्निकल चीजें हैं मतलब वो आ, उसको टेक्निकली वो स्ट्रॉग क्वेश्चन नहीं है स्टिल जो है मैं कोशिश करूंगा आपको सॉल्व करवा दूँ तो टोटल तीन क्वेश्चन है दो मैंने आपको बोर्ड पर भी करवा दिए सॉल्व कैफ एट से तो प्रॉब्लम यहां से मुकम्मल करें गैरिजर नुर, और नूरन जो है वो एक्सरसाइज और प्रॉब्लम आपको मुकम्मल आनी चाहिए राइट और कोलिन ड्रूरे जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ जी कि कोलिन ड्रूरे से चैप्टर नंबर एट है ठीक है जी? और चैप्टर एट जो है उससे आपने कौन से क्वेश्चन करने हैं जी ये नोट कर लें ये कोलिन डे जो है ये एडवास्ड है और ये कोलिन डूरे से भी आपको बहुत फायदा होगा जो खासतौर पर जो गैरिजन नरिन की प्रॉब्लम्स है ये एडवांस हैं तो CMA स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी वो एडवांस जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें तो कोल ड्र से आप नोट कर लेंगे ये रिव्यू प्रॉब्लम्स हैं एट पॉइंट वन वन से लेके एट पॉइंट वन नाइन तक ठीक है क्वेश्चन नंबर अलेवन से लेके नाइनटीन तक आपने अटेम्प्ट करना है राइट तो उसमें जाहिर है जो चीजें आप आपसे नहीं होंगी वो पूछेंगे मैं कल कुछ यहाँ से करवा भी दूंगा आपको चीजें फर्दर भी तो इसके कोलिन ड्रो आंसर है वो इसी बुक के एंड पे आपको मिल जाएंगे ठीक है अब देख रहे हैं ये 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 आई एम क्वेश्चन आ गया ना वन नाइनटी पेज आप देख रहे हैं आपके आ, स्क्रीन पे शेयर हो रहा है अब इसके साथ लिखा हुआ है क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ है आई एम एट पॉइंट वन इसका मतलब है ये आई एम से मतलब है इंस्ट्रक्टर मैनुअल इसका सलूशन इंस्ट्रक्टर मैनुअल में है जो टीचर्स हैं उनको प्रोवाइड किया गया है तो इससे ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं वो उनके आंसर्स बुक के एंड पे अवेलेबल हैं क्वेश्चन तो नंबर 22 तक ए, sorry, ये सॉरी ये हाँ जी क्वेश्चन नंबर 22 तक 11 से लेके 22 तक सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपके पास हैं ठीक है, है जी? तो उसके बाद जो आगे हैं वो हम देखेंगे ठीक है जी?

फॉलो करते हैं चैट को तो ज़ाहिर है आपको फिर साथ साथ जो है वो पता चलता रहता है कि किस चीज की बात हो रही है सो so एनी और कोई क्वेश्चन जो आज के हवाले से आप पूछना चाहें और आलमोस्ट मैं एक और लेक्चर है जी हमारे पास यहाँ पे एट टू टेन उसके बाद मैं ये आपको वाइट बोर्ड भी अपलोड कर दूंगा और ये लेक्चर भी मैं इनशाला अपलोड कर दूंगा और जो असाइनमेंट मैंने आपको अभी वर्बली बताई है वो मैं ग्रुप में जो है वो लिख भी दूंगा ताकि जो आप लोग भूलें ना ठीक है जी? तो अपना ख्याल रखें इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी और उसका लिंक जो है वो आज रात में इनशाला मैं शेयर कर दूंगा आप सबके साथ अल्लाह हाफिज